Good morning, dear friends, and greetings, and God bless you this morning as you begin your day. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु आप सबको आशीष दे जैसे आप इस नए दिन की शुरुआत को करते हैं. And as we meditate on God's word, remember we are hearing God's voice. और याद रखिए जबकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं हम परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं. So today we are going to hear the voice of God from a passage in Acts chapter 8. और आज की सुबह हम परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे एक वचन के द्वारा जो कि प्रेरितों के कार्य उसके 8वें अध्याय में मौजूद है. Verses 26 to 40. और जो कि 26वें वचन से लेकर 40वें वचन तक. This passage talks about evangelist Philip going to the city of Samaria. और ये अध्याय बात करता है फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के विषय में जो फिलिपाई नगर के उस नगर में जाता है. And having a mighty revival in the entire city. और इस पूरे नगर में एक बहुत बड़ी बेदारी आती है. And this passage stresses the importance of an individual to God. और ये अध्याय इस बात पर दबाव रखता है या बनाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता होना चाहिए. This passage also gives a study of witnessing. और ये अध्याय हमें ये भी शिक्षा देता है कि कैसे हमें गवाह ठहरना है. Great, there was a mighty, great miracles and a great revival happening. The entire city was affected by that revival. और एक बहुत बड़ी बेदारी उस नगर में आई और पूरा नगर उससे प्रभावित हो गया. And let us learn a few lessons from this passage. और आइए इस अध्याय से कुछ शिक्षाओं को हम सीखेंगे. Philip was number one. Philip was led by the Holy Spirit, by an angel. और फिलिप्पुस को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसका मार्गदर्शन किया. An angel of the Lord guided him. और परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसका मार्गदर्शन किया. And you know, my friends, very often it can be our experience too that somehow the angels of God guide us. और मेरे मित्रों कई बार ये भी हमारा अनुभव हो सकता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारा मार्गदर्शन करें. And this guidance was given for the sake of one individual. और ये मार्गदर्शन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए दिया गया था. Philip was in the middle of a great revival. और फिलिप्पुस एक महान बेदारी के बीच था. And big crowd. और बड़ी भीड़. And amazing miracles. और अद्भुत चमत्कार. And unbelievable miracles. और ऐसे चमत्कार जिन पर विश्वास भी ना किया जा सके. And who wants to leave such a mighty, great work? और कौन इतने महान और कार्य को सामर्थी कार्य को छोड़कर जाना चाहेगा? And not only that. और ना सिर्फ इतना. Evangelist Philip was becoming a big name in the city. सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस उस नगर में एक बड़ा नाम बनता जा रहा था. And right in the middle of all. और इन सारी बातों के बीच में. God did something which we don't approve. परमेश्वर ने एक ऐसी बात को किया जिसको कई बार हम अनुमति नहीं देते. We in our human nature. हम अपने मानवीय स्वभाव में. We enjoy limelight. और हम तो वो प्रसिद्धि की जो ज्योति है उसमें रहना चाहते हैं. And that's what we want, and that's where we want to stay. और वही हम चाहते हैं, वही हम बना रहना चाहते हैं. And but remember, for God. Each individual is a great, valuable thing. लेकिन याद रखिए परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति एक बहुत मूल्य रखता है. And those who are indwelt and led by the Holy Spirit alone can understand God's ways. और इसलिए हर एक वो जन जो उसमें बना रहता है वही परमेश्वर के मार्गों को समझ सकता है. And only such people can follow His guidance. और सिर्फ ऐसे ही लोग उसके मार्गदर्शन के अनुसार चल सकते हैं. Remember, my friends. याद रखिए मेरे मित्रों. It is great and wonderful and exciting to be in the middle of a mighty revival. कितना अद्भुत बात है जब हम एक सामर्थी बेदारी के बीच होते हैं. Where thousands of people are getting saved. जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बचा लिए जाते हैं. Remarkable and outstanding miracle, astonishing miracles are happening. और बड़े-बड़े चिन्ह और चमत्कार वहाँ हो रहे हैं. And like Peter, we too sometimes feel it is good to be here. और कई बार
पत्रस के समान हम भी सोचते हैं यहाँ पर होना ही अच्छा है। Yes, it is true. God is concerned about big city. और हाँ, ये तो सच है कि परमेश्वर उस बड़े नगर के विषय में चिंता करता था। But unlike human being, लेकिन मानवीय स्वभाव के विपरीत, here is the difference between a man and God. और यहाँ पर हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच के एक अंतर को देखते हैं। God is concerned about big cities. और परमेश्वर बड़े नगरों के विषय में चिंता करता है। At the same time, लेकिन उसी समय, He is equally concerned about one individual. वो एक व्यक्ति विशेष के भी चिंता करता है। And it took something unusual to get Philip to leave the crowd. और उस भीड़ को छोड़कर जाने के लिए फिलिपस को ऐसा करने के लिए बहुत असाधारण सी बात करनी पड़ी। And to go where? और कहाँ जाने के लिए? Go down to a deserted, uninhabited place for the sake of just one man. कि वो एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके और स्थान पर जाए और ऐसे जहाँ पर कोई भी नहीं है, वो स्थान खाली है और सिर्फ एक मनुष्य की खातिर। Stop and think. आप रुकिए और सोचिए। We see it in the ministry of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में इस बात को देखते हैं। Very often he leaves the big crowd and crowd that is shouting Hosanna and trying to make him king. और कई बार वो बड़ी-बड़ी भीड़ों को छोड़कर वो भीड़ जो उसे राजा बनाना चाहती थी वो दूर चला गया। And he quietly leaves. वो बड़ी शांति से उस भीड़ से चला गया। You know, this is the ministry of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। Somewhere there is an individual. कहीं पर एक ऐसा मनुष्य है। Who needs God. जिसे परमेश्वर की आवश्यकता है। And God becomes more concerned about that one individual. और परमेश्वर उस एक व्यक्ति के विषय में ज्यादा चिंता करता है than for me to be in the middle of a big events and in the midst of big crowd. ताकि मैं इसकी बजाय कि मैं एक बड़ी भीड़ के बीच पाया जाऊं। What are we seeking for? हम किस बात की चिंता करते हैं? To be in the limelight? क्या आप उस ज्योति प्रसिद्धि की ज्योति में रहना चाहते हैं? When everybody is whispering or shouting your name, जब हर कोई आपके नाम को पुकारता है, that's what we like. और इसी बात को हम चाहते हैं। But God is different. लेकिन परमेश्वर कुछ अलग है। God is concerned about an individual who is about to enter into the kingdom. लेकिन परमेश्वर तो चिंता करता है हर एक व्यक्ति की जो उस ज्योति में आना चाहता है। You remember Jesus? आप याद रखिए उस यीशु मसीह को। Jesus was on his way to Jerusalem. यीशु अपने मार्ग में यरूशलेम नगर की ओर निकले। And there was a shortcut. और एक छोटा सा रास्ता वहाँ से था। But he didn't take that. लेकिन उस छोटे रास्ते को उसने नहीं लिया। He took a long way through a village of Samaria. लेकिन उसने एक लंबे मार्ग को चुना, लंबे रास्ते को चुना ताकि वो समरिया नामक उस गांव से होकर के निकले। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? And remember. याद रखिए। God is as much concerned about one individual. As he is concerned about big cities. याद रखिए परमेश्वर उतनी ही चिंता करता है जितनी बड़े महानगरों की चिंता करता है उससे उतना ही चिंता वो एक व्यक्ति की भी करता है। There is in that Samaritan village. और उस समरी गांव में। There was a lonely woman. एक एकांत में रहने वाली एक स्त्री थी। Who is seeking for genuine love. जो एक सच्चे प्रेम की खोज में थी। And in that she went from one man to another. और उस खोज में वो एक मनुष्य से दूसरे पुरुष, एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर। Married five husbands. और उसके पास पांच पति थे। One after the other. एक के बाद एक वो शादी करती चली। And then all of them left. और हर एक ने उसे छोड़ दिया। And then she simply started living with the sixth one. और इसलिए फिर उसने छठे के संग रहना शुरू कर दिया। That was a woman. और ये वो स्त्री थी। For that single woman. और उस एक स्त्री के लिए Jesus left a short way, and if he has taken that way, all along the way there would have been big crowds following him. और उसने उस छोटे रास्ते को छोड़कर लंबे रास्ते को दिया। You know what I learned? आपको पता है मैंने क्या सीखा? God does whatever is necessary to instruct and guide believers. परमेश्वर हर एक उस बात को करता है जिसकी आवश्यकता
विश्वासियों को निर्देश देने और उन्हें सही करने के लिए चाहिए। इज नॉट लिमिटेड टू आवर बिलीफ, वो हमारे विश्वास तक सीमित नहीं है, एंड थियोरीज और हमारी जो लिखी बातें हैं। ही हैज एट हिज डिस्पोजल ऑल पावर्स ऑफ ऑल ऑफ क्रिएशन, उसके पास उसके प्रयोग करने के लिए सृष्टि का सारा सामर्थ्य शक्ति उपलब्ध है, एंड ही विल यूज व्हाटएवर इज नीडेड, और वो हर एक उस बात का प्रयोग करेगा जिसकी आवश्यकता है, व्हाटएवर इज नीडेड टू रीच anyone who is hungry for God. और हर एक उस बात को लेने के लिए वो चिंता करेगा जो परमेश्वर के प्रति भूखा है उसको प्राप्त करेगा. And if you study at the end of that story, और इस कहानी के अंत को अगर आप पढ़िए, this woman was really hungry for God. तब ये स्त्री परमेश्वर के लिए सच में भूखी थी. This is our God. और ये हमारा परमेश्वर है. My friends, मेरे मित्रों, never ignore the importance of one individual. कभी भी एक व्यक्ति की जो महत्व है उसे आप दरकरार No matter what that individual may be. और चाहे मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कैसा हो. He may be a simple man. हो सकता है एक साधारण मनुष्य. An illiterate man. हो सकता है एक अनपढ़ मनुष्य. And a poor man. एक गरीब मनुष्य. But he God does not look at one in that way. लेकिन परमेश्वर एक की ओर ऐसे नहीं देखता. He looks at every person individually. लेकिन वो हर एक व्यक्ति की ओर व्यक्तिगत रूप से देखता. And in everyone he sees a precious soul. और हर एक में वो एक बहुमूल्य आत्मा को देखता. Hungering for God. जो प्यासी है परमेश्वर के लिए. Let us never, never ignore or neglect one individual. होने दें हम कभी भी एक व्यक्ति को दरकरार ना करें. Because he looks too simple. क्योंकि वो बड़ा साधारण दिखता है. You may be such a person. और आप भी ऐसे एक व्यक्ति हो सकते हैं. But think of Jesus. लेकिन यीशु के विषय में सोचिए. People may not take note of you. हो सकता है लोग आपको पहचाने ना. But there is a God who knows your name. लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके नाम को जानता है. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं? He stops at the sight of you. वो आपके देखने के लिए रुकता है. He hears your inner cry. वो आपकी अंदरूनी रोने को देखता और सुनता है. And your inner cry for God cannot be heard by the world. और याद रखिए आपके अंदरूनी जो रोना है वो संसार के द्वारा नहीं देखा जा सकता. But the Lord of heaven and earth hears that cry. वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर उस बात को देखता है. He hears that cry. वो आपकी उस रोने को सुनता है. And he comes to you. और वो आपके पास आता है. And God bless you, my brother. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you continue to seek God, जैसे आप निरंतर परमेश्वर को निहारते. I assure you, मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ. You will find him. आप उसे पाएंगे. And the greater truth is, he will find you. Because you. और जो सच्चाई है वो ये है कि वो आपको ढूंढ लेगा. Because you have a seeking heart. क्योंकि आपके पास एक खोजने वाला हृदय है. So come to Jesus. इसलिए यीशु के निकट आ जाए. Lord, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं. For this truth from this story. हम इस सच्चाई के लिए जो इस कहानी से है. We thank you. हम धन्यवाद करते हैं. That you as our God is concerned about every individual. कि आप हमारे परमेश्वर होते हुए हर एक व्यक्ति की चिंता करते हैं. And you ignore none. और आप किसी को भी तिरस्कार नहीं करते. And you neglect and go bypass him because he looks so simple. और क्यों कई बार पिता परमेश्वर हम भी कई लोगों की ओर नहीं जाग जाते या उनसे बात नहीं करते क्योंकि बड़े साधारण दिखते हैं. We thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं. That you never neglect anyone. क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करते. But you will stop. लेकिन आप रुकेंगे. At the cry of the poorest and the simplest man. सबसे गरीब और साधारण व्यक्ति के भी रोने और कराहने को. He hears the inner cry. क्योंकि आप उसके अंदरूनी रोने को सुनेंगे. And he knows that your heart is yearning for God. और वो जानता है कि आपके हृदय उसके लिए भूखे हैं. So Lord, May your spirit continue to help us. Thank you. In Jesus' name. God bless you, my brothers and sisters. This is a great day. Enjoy this day. Amen. Amen.